आम आदमी पार्टी हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कहा कि मणिपुर से लेकर हरियाणा में दंगे करवाने वाली सिर्फ भाजपा पार्टी है। नो घटना में भी सरकार के इशारे पर आप नेता जावेद पर एफआईआर दर्ज कर झूठा फंसाया गया है। खुद दंगे करवाकर दूसरी पार्टियों के नेताओं पर झूठे एफआईआर दर्ज करवाना भाजपा की फितरत बन गई है। राजनीतिक लाभ लेने के चक्कर में भाजपा प्रतिनिधिमंडल तो नूह पहुंचता है, लेकिन दूसरी पार्टियों को रोका जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि भाजपा दंगा भड़काने में लगी हुई है। अनुराग ढांडा ने दादरी के लघु सचिवालय परिसर में चल रहे लिपिक व आशा वर्कर्स धरने पर समर्थन दिया और मीडिया से बातचीत की। कर्मचारियों के धरने पर संबोधित करते हुए आप नेता अनुराग ढांडा ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर पहली कलम से लिपिकों व कर्मचारियों को पूरा वेतन दिया जाएगा। प्रदेश के गठबंधन सरकार से कर्मचारी ही नहीं बल्कि हर वर्ग नाराज है। कर्मचारियों की हड़ताल की सीधे रूप से प्रदेश की खट्टर सरकार जिम्मेदार है। जितना हड़ताल के दौरान नुकसान हुआ उतना कई वर्षों तक कर्मचारियों का बढ़ा हुआ वेतन दिया जा सकता था। जो क्लर्क साथियों की हड़ताल पिछले एक महीने से भी ज्यादा समय हो गया चल रही है, उसको समर्थन देने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। और मुझे लगता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि जैसी स्थिति मनोहर लाल खट्टर सरकार के साथ है, उनका विनाश समय नज़दीक आ गया है, इसलिए उनकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है। वरना जितना नुकसान सरकार का क्लर्कों की इस हड़ताल की वजह से हो रहा है, जितने करोड़ों रुपए का नुकसान जनता का और सरकार का हो रहा है, उतने पैसे में तो अगले कई दशक तक क्लर्कों को बढ़ी हुई सैलरी दी जा सकती है, अगर ये सदनियति से सोचें, ठीक दिमाग से विचार करें तो। लेकिन इनकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, इनके विवेक ने काम करना बंद कर दिया, और इसलिए हमें लगता है कि इनका अंत समय नज़दीक आ गया है। जिस संघर्ष के साथ क्लर्क साथी ये पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इनको उसके लिए साधुवाद करते हैं, उसके लिए बधाई शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इनकी जायज़ मांगों को स्वीकार करेगी। वरना 1.5 साल में सरकार बदल रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही पहली कलम से फैसला करेंगे कि जो जितना काम करता है उसको उसके मुताबिक मेहनताना मिलना चाहिए, उसके मुताबिक सैलरी मिलनी चाहिए। सर, सरकार नई भर्ती करने जा रही है आज की आरान से, तो क्या कहें? ऐसी गीदड़ भभकियाँ बहुत सुनी हैं। ये जो उप मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि नई भर्तियाँ कर लेंगे, करें, हम चुनौती देते हैं, वो नई भर्ती करें, फिर हम भी देखेंगे कि वो घर से निकलते कैसे हैं और घर में घुसते कैसे हैं। उन्हीं के घर पर जाके जिन जिन के नौकरी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे, उन सब के साथ उन्हीं के घर पे धरना देके बैठेंगे, हम भी देखते हैं ये सरकार चलती कैसे। नो घटना हुई उसमें जावेद का नाम है आपके पार्टी के नेता का, तो क्या मानते हैं, जैसे बीच रास्ते में भी रोका गया? देखिए, पूरे देश में ये साफ है, सारे लोगों को पता चल गया पूरे हिंदुस्तान में कि दंगे कौन सी पार्टी कराती है। एक ही पार्टी है जो मणिपुर से लेके हरियाणा तक में दंगे कराती है। पहले ये लोग खुद दंगे कराते हैं और फिर उसके बाद दूसरी पार्टियों के नेताओं के खिलाफ झूठी FIR दर्ज कर देते हैं ताकि मामले को इधर उधर किया जा सके। जावेद के मामले में सारे प्रूफ, सारे डॉक्यूमेंट, सब कुछ, मोबाइल लोकेशन, वीडियोस, सब कुछ पुलिस को हैंडओवर कर दिया गया। जिस वक्त इस घटना का जिक्र किया जा रहा है, जावेद उस जगह से 100-150 किलोमीटर दूर थे, और ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि ये झूठी FIR है। लेकिन जब जाँच हो रही है, हम स्वागत करते हैं, करें जाँच जावेद के खिलाफ जो भी करनी है, लेकिन जब जाँच हो ही रही है तो इस बात की भी जाँच होनी चाहिए कि जिस वक्त ये दंगा हुआ उस वक्त 100 से ज्यादा नू के पुलिस कर्मियों को VIP ड्यूटी पे मुख्यमंत्री जी ने दूसरे डिस्ट्रिक्ट में क्यों बुलाया। साथ ही अनुराग ढांडा ने कहा कि आप पार्टी हरियाणा में किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी, बल्कि गांव व बूथ स्तर पर संगठन का विस्तार कर पंजाब की तर्ज पर करिश्मा कर सरकार बनाकर दिखाएगी। सत्य खबर के लिए चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट। सत्य सटीक बेबाक।